एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम सीखेंगे हमारा तीसरा टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस का यूज कहाँ होता है? दिस इज द यूज ऑफ दिस टेंस। कहाँ यूज होता है ये? टू एक्सप्रेस द वर्क कंप्लीटेड इन द नियर पास्ट टाइम। वर्क कंप्लीटेड, दिस इज टू बी नोटेड। ये कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए टेंस यूज होता है। कब ये काम पूरा हुआ है? इन द नियर पास्ट टाइम, कुछ समय पहले, अभी कुछ समय पहले। बट दैट पास्ट टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क इज नॉट नोन। वो पास्ट टाइम जब ये काम पूरा हुआ वो अभी तक हमको नहीं दिया गया है, हमको नहीं पता है। इन दैट केस हम जनरली इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही हैज ऑलरेडी कंडक्टेड द मीटिंग। वो पहले ही मीटिंग ले चुका है, मतलब उसने मीटिंग ले ली है। कब ली? मीटिंग लेना कंप्लीट हो गया, पर कब हुआ है, कब मीटिंग ली थी, दैट इज नॉट गिवन। आई हैव सीन द रिजल्ट टुडे ओनली। मैंने आज ही रिजल्ट देखा है, रिजल्ट देख लिया है, आज ही देखा है। अब यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है, जबकि हमारे डेफिनेशन में ये था कि टाइम नहीं पता है। बट नोट दिस थिंग, पास्ट टाइम, आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि वो काम बताने के लिए टेंस का यूज होता है जो पास्ट में कंप्लीट हुए, पर वो पास्ट का टाइम जब ये काम पूरा हुआ तब उनको नहीं पता है। टुडे कभी भी पास्ट नहीं होता है, टुडे प्रेजेंट है। मतलब ये बात जब बोली जा रही है तब ये दिन खत्म नहीं हुआ है, अगर ये खत्म हो जाता तो ये यस्टरडे बन जाता। मीन्स जब काम कंप्लीट हुआ वो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। इन दैट केस हम वो लगा सकते हैं, वो एक ही टाइमिंग है टुडे। टुडे जो है वो टाइम आ सकता है इसे, इसके अलावा और कोई पास्ट टाइम नहीं आएगा कि काम आपका कब पूरा हुआ था। और समझते एग्जांपल से, द गेस्ट्स हैव जस्ट टेकन देयर मील, यानी जो मेहमान है वो अपना भोजन ले चुके हैं। टेकन देयर मील, टेकन देयर मील को हम ये भी बोल सकते हैं ईटन देयर मील, खा चुके हैं भोजन, ठीक है। और खाने के लिए दूसरा एक वर्ब यूज होता है, वो है टू हैव। टू हैव मतलब खाना, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है, द गेस्ट्स हैव जस्ट हैड देयर मील, एनीथिंग, सबका मतलब खाना ही होता है। तो ये भोजन खा चुके हैं या भोजन ले चुके हैं। दे हैवंट अराइव्ड हियर येट, वे अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, वे अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। Who has collected my mail? This is the exam question, interrogative example है ये। मेरा खत किसने लिया है? He's asking कि मेरा खत ले चुका है कोई ना कोई, लेकिन किसने लिया है? The butter has still not melted. मक्खन अभी तक नहीं पिघला है। आपको जब भी बोलता है काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो हम इस tense का use करेंगे। The puppy has run away. कुत्ते का बच्चा भाग चुका है या भाग गया है। Have you taken my pen? क्या तुमने मेरी पेन ली है? ठीक है। Now note down the verbs. अब हम, जैसे हमको पता है कि इसमें सिर्फ verb ही बहुत important होता है, we will note the use of the verbs. Has already conducted. ये आपका verb है, has conducted. Alright, ये जो टेंस है आपका परफेक्ट टेंस, उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, तो ये बताएगा आपका चुका या गया, ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने लास्ट में, हमने जब कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया था, या तब हमने बताया था कि जब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है, फोर्थ फॉर्म में होता है, तो उसके आगे हमेशा बी की फॉर्म आती है, चाहे इज़ आर आए जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, तब वाज वर जब वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और बीन आएगा जब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो जब भी मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में होता है तो उसके आगे हमेशा बी की फॉर्म आती है। इसी तरह से जब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, जहां भी परफेक्ट वर्ड होता है आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा, और जब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा उसके आगे हमेशा हैव की फॉर्म आएगी। हैव की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, हैव और हैज, पास्ट होती है हैड, ठीक है। तो हमारा ये फ्यूचर होगी विल हैव और शैल हैव, हमारा ये टेंस प्रेजेंट है,
वहां पे लगाएंगे हैव और हैज, जो बताएगा है यानी चुका है या गया है, गई है। ओके तो यहाँ पे इसलिए ये जो फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है। अब जैसे कंडक्टेड है तो ईडी वाली फॉर्म से, हमने जब फॉर्म देखी थी तो कहा देखा था कि जो सेकेंड फॉर्म है उसमें अगर ईडी लगती है वर्क फॉर्म से, तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? यही रूल आपको, यही रूल रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है फिर से कि जब भी थर्ड फॉर्म में होगी तो उसके आगे हैव हैज हैड होगा। यानी जब भी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है तो उसके जस्ट पहले हैव की फॉर्म्स होती है, चाहे हैव हो, हैज हो या हैड हो, विल हैव और शैल हैव में भी हैव ही रहेगा। तो कभी भी मेन वर्ब जब थर्ड फॉर्म में होता है उसके आगे हमेशा हैव की फॉर्म्स होती है। तो जब आपने यहाँ पे अब कैसे पता करना कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, इसके जस्ट इमीडिएट जस्ट पहले यहाँ पे हैव की फॉर्म है, इसके पहले हैव की फॉर्म है, मतलब वो आपका मेन वर्ब ये वाला सेकेंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें मेन वर्ब, क्योंकि परफेक्ट वर्ड होता है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट है थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा हैव की फॉर्म आती है के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट में हैव और हैज। ओके, हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा है ये हैव और हैज। ओके नाउ, सो दिस इज हैज एंड दिस इज द मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। आई हैव सीन द रिजल्ट टुडे, हैव और सीन, दिस इज योर वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ओके, एज वी आर स्क्वेयरिंग है, ये आपको भी इनको हाईलाइट करना है। Have seen, ये थर्ड फॉर्म हो गया सी का, सी सॉ सीन, इसलिए हम वर्ब फॉर्म्स करवा रहे हैं क्योंकि आपको सारी वर्ब फॉर्म्स पता होनी चाहिए किस किस वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। सीन, ये सी की थर्ड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा have, has, had आते हैं, प्रेजेंट है इसलिए had नहीं आएगा, have, has। तो यहाँ पे I have seen the result today, मैंने आज ही अपना रिजल्ट देखा है, ये ले चुका है। The guests have just taken their meal. फिर से have और taken, भोजन ले चुके हैं। They haven't arrived yet. वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं भी साथ में लेंगे verb के, नहीं पहुंचे हैं, haven't arrived. Who has collected my mail? Has collected. मेरा mail किसने लिया है? मेरा खत किसने लिया है? The butter has still not melted. Has not melted. ये बीवी फिर से ईडी आया। तो हमको कैसे पता चलेगा ये सेकेंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है? Because here has is there. Okay. मक्खन अब तक नहीं पिघला है। The puppy has run away. कुत्ती का बच्चा भाग गया है। Has और थर्ड फॉर्म run, ran, run. थर्ड फॉर्म। Have you taken my pen? You. Sorry. Have taken. Have taken, क्या तुमने मेरी पेन ली है? यानी यहाँ पे वो सारे वर्क आते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं और उनका टाइम नहीं पता है। टाइम अगर पता भी है तो वो प्रेजेंट का टाइम है, वो पास्ट का टाइम नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल से कुछ भी समझ में आ गया। अब इस इसमें आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल से समझ में आएगी। आप जैसे आपको ये एग्जाम्पल को भी टेंस ओपन करते हो, एग्जाम्पल आपको दिए हुए वो आप लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो उनकी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, तो बहुत सारे रूल्स आपको याद रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कीवर्ड्स याद रह रहे हैं। अब ये कीवर्ड्स तो जहां भी ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब था पहले ही, ठीक है, एडवांस में पहले ही, तो ऑलरेडी। फिर यहाँ पे आपके जस्ट, जस्ट ये आपका कीवर्ड है। उसके बाद येट, ये आपका कीवर्ड है। स्टिल, ये कीवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड्स अगर यूज होते हैं आपके सेंटेंसेस में, और फिर से ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स अफर्मेटिव में आते हैं और ये वर्ड जो है वो नेगेटिव में आते हैं। ऑलरेडी मतलब पहले ही, जस्ट मतलब अभी अभी, टुडे मतलब आज, रिसेंटली मतलब हाल ही में। जैसे ये सब डेफिनेशन बता दें कि अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, हाल ही में। ठीक है, समर सीजन हाल ही में शुरू हुई है, अभी अभी शुरू हुई है, कुछ समय पहले शुरू हुई है। तो ये सारे अफर्मेटिव के हैं। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नो, नॉट, नेवर, नो वन, नन का यूज नहीं होता है, वो अफर्मेटिव। उनके अंदर ये एडवर्ब्स आते हैं और ये स्टिल, येट, सो फार, ये एडवर्ब्स आते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। कभी कभी नहीं भी होते, जैसे यहाँ पे द पपी हैज रन अवे, आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें, गया है लग रहा है पीछे, चुका है लग रहा है, जैसे यहाँ पे है कुत्ते का बच्चा भाग गया है, गया है लगता है, मतलब वर्ब कंप्लीट हो गया है पास्ट में, है लगेगा तो ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, काम पूरा हो गया है। ठीक है, अब एक चीज और, कहीं पे देखिए तो हैव का यूज हुआ है, कहीं पे हैज का यूज हुआ है, तो हैव हैज का यूज भी एक बार देख लेते हैं कैसे होता है इस टेंस में। यूज ऑफ हैव हैज, आपको मैंने प्रोनाउन सिखाए थे, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन के पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, लाइक दिस, राइट, ये सिंगुलर है, ये पर्सन, यहाँ पे ये पर्सन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये प्लूरल, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ओके। अब ये एक प्रोनाउन है, इसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, इन दोनों के साथ है भाई, इनके साथ कभी भी हैज का यूज नहीं होगा, और यहाँ यू, यू के साथ भी कभी भी हैज का यूज नहीं होगा। जैसे हम एस ई एस को रिकॉल करें तो एस ई एस कहाँ लगती थी, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, वैसे ही यहाँ पे हैज भी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट नाउन में है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स के साथ, आपका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स में है तो हैज लगेगा, प्लूरल नाउन में है तो हैव लगेगा, वही एस ई एस का रूल था, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। आई, इसलिए इस टेबल को फिर एक बार वर्कअप कर ले, आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, ही शी इट हैज दे हैव, राइट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन्स के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। अब आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे हैव हैज लगाने। ऑलराइट, नाउ अब फटाफट देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। सो नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम करते हैं ए बी और सी, तीन स्ट्रक्चर्स करते हैं। सी है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में फिर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ब क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव हैज थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी मैं देखा था कि यहाँ परफेक्ट वर्ड है, परफेक्ट मतलब मेन वर्ब रहेगा थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा हैव की फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है हैव और हैज, यही आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर, डिक्लेरेटिव में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस रहता है, जो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो यही सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट ये दोनों वर्ब्स है, ये आपका स्ट्रक्चर है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव का। हमारे वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज और मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहेगा। आपको जैसे कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है तो आपको इसी स्ट्रक्चर में, अगर आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो इसी स्ट्रक्चर में बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेहा हैज जस्ट गिवन हर एग्जाम, नेहा ने अभी अभी उसका एग्जाम दिया है, ठीक है, या नेहा अभी अभी उसके एग्जाम दे चुकी है, क्लियर। ट्रांसलेशन आप लिख रहे ना, राइटर ट्रांसलेशन, ये आप बोर्ड पर नहीं लिखा है, पर आप अपने बुक में एक लाइन छोड़ देना, फिर आप वो ट्रांसलेशन मैंने आपको बोला उससे लिख लेना। फिर माय फादर हैज ऑलरेडी बुक्ड द टिकट्स, मेरे पापा ने टिकट्स बुक कर ली है। जरूरी ईच एंड एवरी वर्ड की हिंदी मीनिंग आप लिखो, बुक बुक लिख सकते हो, बुक कर ली है। सो माय फादर हैज ऑलरेडी बुक्ड द टिकट, ये है हमारा प्रेजेंट और ये है परफेक्ट। यहाँ पे भी ये प्रेजेंट, ये है थर्ड फॉर्म परफेक्ट, जैसे बोला था ये ईडी वाली फॉर्म, कैसे पता चलेगी सेकंड है कि थर्ड है। सेकंड फॉर्म में हैव हैज नहीं होते, सिर्फ थर्ड फॉर्म में आगे हैव की फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे हैज एंड मींस ये थर्ड फॉर्म में है। माय फादर हैज ऑलरेडी बुक द टिकट्स, मेरे पापा ने पहले ही टिकट्स बुक कर लिए हैं। देन शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, शर्माज का मतलब होता है पूरी शर्मा फैमिली, जो भी मेंबर्स है, ईच एंड एवरी मेंबर, इसलिए ये प्लूरल है। प्लूरल है तो जैसे बोला था आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हैव आएगा, इसलिए यहाँ पे हैव आया। शर्माज हैव रिसेंटली, रिसेंटली ये भी एक कीवर्ड है, ये बताता है कि अभी अभी, अभी अभी हैव शिफ्टेड, दिस इज शोइंग योर टेंस हैव, एंड ये फिर से ईडी वाला आया, कैसे पता चलेगा सेकेंड
सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, इसके पहले हैव हैज है तो ये थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, शर्माज अभी अभी हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, पीछे है लगना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में सारे एक्शंस में पीछे है लगेगा। देन करण एंड हिज फ्रेंड्स, अब ये प्लूरल है, करण एंड हिज फ्रेंड्स, ये और इसके फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर है पर ये दोनों मिला के प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ पे हमने हैव का यूज किया है। हैव ऑलरेडी गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, जा चुके हैं करण और उसका दोस्त पहले ही जा चुके हैं। ये हमारे चार सेंटेंसेस हैं जो डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव के हैं, ठीक है। अब इसमें से हम फर्स्ट सेंटेंस को डिक्लेरेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। इन पहले इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, डिक्लेरेटिव नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहता है। जिस तरह से डिक्लेरेटिव है तो सब्जेक्ट हमेशा पहले रहेगा और वर्ब रहेगा हैज हैव, ठीक है। और नॉट, नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो डू डज लगाया था, पर यहाँ पे तो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट, उसके बाद फिर मेन वर्ब इन अ थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म चुका, ठीक है, या गया, और मीनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है डिक्लेरेटिव नेगेटिव का। इस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव नेगेटिव में बनाएंगे, जैसे आपको बोलना है कि नेहा ने अभी तक अपना एग्जाम नहीं दिया है। अब आपको जब हमने कीवर्ड्स किए थे बताया था, बोला था कि सिर्फ अफर्मेटिव में जस्ट आता है, नेगेटिव में जस्ट नहीं आता है। हिंदी में भी जब हमने बोला था, हमने क्या बोला, यहाँ बोला था, हमने बोला था कि उसने अभी अभी अपना एग्जाम दिया है, और यहाँ पे बोला है अभी तक नहीं दिया है। अभी तक के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं, स्टिल भी हो सकता है, सो फार भी हो सकता है, येट भी हो सकता है, तीनों की मीनिंग अब तक के लिए ही आती है। आप चाहे तो येट का यूज कर सकते हैं, स्टिल का यूज कर सकते हैं, सो फार का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सो फार का यूज करते हैं तो सो फार सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, तो नेहा हैज जस्ट गिवन हर एग्जाम, हम नेहा को सब्जेक्ट पे लिखेंगे क्योंकि नेहा हमारा सब्जेक्ट है, हैव हैज फिर आ जाएगा, हैज आएगा नेहा के साथ पे, हैव नहीं आएगा, नॉट आ जाएगा, फिर अभी तक नहीं दिया है तो हम अभी तक नहीं दिया नेगेटिव वाला एडवर्ब यूज करेंगे, येट अभी तक, इसकी जगह आप स्टिल भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे नेहा हैज नॉट स्टिल गिवन हर एग्जाम, तो वही गिवन इंडो में थर्ड फॉर्म हर एग्जाम, इसके बदले हम यहाँ पे स्टिल का यूज कर सकते थे, लेकिन अगर सो फार का यूज करना है तो वो लास्ट में होगा, नेहा हैज नॉट गिवन हर एग्जाम सो फार, क्लियर हो गया। तीनों सेम है, येट भी यूज कर सकते हैं, स्टिल भी यूज कर सकते हैं, सो फार भी यूज कर सकते हैं, वो जस्ट की जस्ट अपोजिट, जस्ट और ऑलरेडी के बदले हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस हमने आपको ट्रांसफॉर्म करके दिया है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को डिक्लेरेटिव नेगेटिव आपने खुद बनाना है। जैसे हम हर बार एक्सरसाइज देते हैं, एक सेंटेंस दिया तो आपको फिर कुछ से चार सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको ट्रांसफॉर्म करने होते हैं। अब लास्ट टाइम आपका कोई कमेंट आया था कि मैम ट्रांसलेशन करने के लिए सेंटेंसेस चाहिए, जिससे हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगी वो टेंस हमको समझ में आ गया है। सो दिस टाइम इन होमवर्क वी हैव गिवन सम, वी आर गिविंग सम सेंटेंसेस टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज, दैट इज हिंदी टू इंग्लिश। सो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से कि ये टेंस क्या है और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। Now, ये तीन sentences, second, third, fourth, you will have to do as your homework. First one I have done for you. यहाँ पे सब lines छोड़ देंगे और इनके लिए, इनके translation के लिए भी हर sentence में translation जरूर करें तो आपका tense और पक्का हो जाएगा। Then interrogative के में दो questions के structure पढ़ते हैं हम, एक तो yes no type question और एक WH word question। Yes no type question का structure देख लिए पहले। Yes no type question हमेशा helping verb से start होता है, क्या से शुरू होता है, क्या तुम कल आओगे, तो वो क्या से शुरू हुआ, क्या तुमने खाना खा लिया है। अगर हमको कोई किससे से पूछना है कि क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या देर तुम्हारा होमवर्क हो गया है, तो वो इस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, नेहा हैज जस्ट गिवन हर एग्जाम, तो हम क्या से कैसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को, क्या नेहा ने अपना एग्जाम पहले ही दे दिया है, क्या नेहा अपना एग्जाम दे चुकी है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे। हैज पहले आ जाएगा,
एस फिर सब्जेक्ट आएगा, हमारा सब्जेक्ट है नेहा। मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके पहले जस्ट दिया है तो हम जस्ट का यूज करेंगे। हैज नेहा जस्ट फिर गिवन हर एग्जाम, फिर बिग क्वेश्चन मार्क। इस स्टेटमेंट को हमने ट्रांसफॉर्म किया यस नो टाइप क्वेश्चन में, ये फर्स्ट वन हमने कर दिया है, फिर से वही बात है, सेकेंड थर्ड फोर्थ को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे स्पेस छोड़ दें और फिर खुद कोशिश करें उसको ट्रांसफॉर्म करने की। देन WH वर्ड क्वेश्चन, अब WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है जो व्हाट से, व्हाई से, व्हेन से, वेयर से, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन से स्टार्ट होते हैं, तो वो WH वर्ड क्वेश्चन आपको बनाना है। नेहा हैज जस्ट गिवन हर एग्जाम का WH वर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, किसने एग्जाम, ये पूछ रहा है कि नेहा ने अभी अभी एग्जाम दिया है तो किसने अभी अभी अपना एग्जाम दिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि नेहा ने अभी अभी क्या दिया है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम लिख के देखते हैं। नेहा हैज जस्ट गिवन हर एग्जाम, तो किसने अपना एग्जाम अभी अभी दिया है, हू, ये आपका WH वर्ड, ये रहेगा WH वर्ड और यही स्ट्रक्चर वापस रहेगा। जैसे मैंने बोला था यस नो टाइप WH वर्ड क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है कि इसमें आगे WH वर्ड रहता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब का ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे WH वर्ड प्लस हैव और हैज, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थे ये कैपिटल में थे, अब ये स्मॉल में आ जाएंगे, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा WH वर्ड का स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर में हम इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करेंगे। हु हैज, अब ये WH वर्ड आ गया हमारा, देन WH वर्ड प्लस हैव और हैज, हैव और हैज आएगा तो हु के साथ में हैव नहीं आता है क्योंकि हु पता नहीं है सिंगुलर, अगर हु को सिंगुलर ही माना जाता है, सो हु हैज देन WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट। अब हु जो है ये ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन किसने दिया है, इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा, हु और व्हाट जो है वो सब्जेक्ट को पूछते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही सब्जेक्ट है। तो हु हैज गिवन हर एग्जाम, या आप जस्ट भी लगा सकते हो, हु हैज जस्ट गिवन हर एग्जाम, हर एग्जाम ये रिमेनिंग पार्ट है इसको हमने लिख दिया। फिर अगर आपको ये पूछना है कि नेहा ने अभी अभी क्या दिया है तो व्हाट से शुरू होगा आपका क्वेश्चन, व्हाट हैज, अब क्योंकि नेहा यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास, हम पूछ रहे हैं नेहा ने अभी तक क्या क्या दिया, क्या अभी अभी भी क्या दिया, तो व्हाट हैज फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा नेहा, व्हाट हैज नेहा जस्ट गिवन। अब यहाँ पे ये जो है हर एग्जाम में ही आएगा क्योंकि यही इसका आंसर है, फिर एक क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। ये एक स्टेटमेंट के हमने दो क्वेश्चन बनाए, कभी कभी एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट से आपके तीन क्वेश्चन भी बनेंगे, कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया WH वर्ड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ ये आपका होमवर्क रहेगा, दिस हैज टू बी ट्रांसफॉर्म, आप स्पेस छोड़ दीजिए। ओके नाउ नेक्स्ट 13 वर्ब फॉर्म्स, अब हमने जो हम लास्ट टाइम जो वर्ब किए थे वो सारे स्ट्रॉन्ग वर्ब से, लेकिन वो सारे स्ट्रॉन्ग वर्ब से जिसमें सेकेंड फॉर्म जो है वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो सेम रहती है पर सेकेंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म के एक वॉवल को चेंज करके बनती, ठीक है। अब फिर से एक और ग्रुप बी, वो ग्रुप ए था स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का, ये ग्रुप बी है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का जिसमें हम फिर 13 वर्ब्स करेंगे जिनमें सेकेंड फॉर्म तो वॉवल को चेंज वॉवल को चेंज होकर बनती है, फर्स्ट फॉर्म से वॉवल चेंज हो जाएगा और बनेगी, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है वो ईएन लगा के या एन लगा के बनेगी। जैसे अराइज है तो अराइज का अरोज अराइजन, ये सारे 13 फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें सेकेंड फॉर्म उसी ग्रुप की तरह ग्रुप ए की तरह वॉवल चेंज होकर बनती है, लेकिन ग्रुप ए में सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती थी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपकी ई एन आर एन लगा के बनेगी। तो वो वर्ब्स हैं आपके अराइज, अवेक, बेयर, फिर बेयर, बेयर दो बार लिखा है क्योंकि बेयर की दो मीनिंग्स होती है, दोनों आपको पता होनी चाहिए, आपको दोनों यूज करनी है इंग्लिश में। देन बेड, BIT, bite, BLOW, blow, break, beat, chose, drive, draw, fall. ये वो 13 verbs हैं जिसकी meanings और जिसकी second, third, fourth form formulate करके आपको अपने table में add करना है, अपने stock में add करना है। इससे थोड़ा थोड़ा करके आपका जो verb forms का table है वो पूरी तरह से तैयार होगा, आपको याद भी करते जाना है उनको, जिससे आपको एक साथ सारे नहीं याद करने पड़े, जो भी homework है आपको पूरे honestly पूरे proper तरीके से
करना है, ये नहीं कि अगले फिर अगले लेक्चर में मैम बता देंगे, ऐसा नहीं सोचना है। बी लाइक गुड गुड स्टूडेंट्स, आपको अपना होमवर्क खुद अपने लेवल पे करना है और फिर उसको मैच करें। अगर मैंने आंसर्स दिए हैं आपको तो आप मैच करें उसके अंदर, ठीक है। और ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, 8 सेंटेंसेस जो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो इसी टेंस के सेंटेंसेस हैं, और आपको इनके रूल्स के हिसाब से, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। लड़का भाग गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम कंप्लीट हो गया है, उसने एक नया मकान खरीदा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, पानी जा चुका है या चला गया है, दोनों में से एक, हाँ दोनों में से एक आएगा, या बोलते जा चुका है या चला गया है। उसने अपनी रिपोर्ट, उसे अपनी रिपोर्ट मिल चुकी है, क्या उसने मुझे आज बुलाया है, पापा जा चुके हैं, तुम अपने अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, ये इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, ये डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन है। देन उसे खाना नहीं मिला है, ठीक है। सो ट्रांसलेट ऑल दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, वर्ब ऑलमोस्ट वही होंगे जो आपको पता है, आपने पहले वर्ब फॉर्म्स में किए हुए हैं, वो सारे वर्ब्स होंगे। ऑलराइट, हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, गुड बाय।